गांधी विचार में सबसे बड़ी बात थी विकेंद्रीकरण। इस हिसाब से महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज के बारे में कहा था कि जो सत्ता पावर है वो हर गांव में होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कोरोना वायरस में कंट्रोल करने में जो गांव में दी गई सत्ता के हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर पाए। कोरोना वायरस में जो लोग काम कर रहे थे सभी लोगों ने अच्छी तरह से काम भी किया। तो मैं ये कहता था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया में जितना विकेंद्रीकरण हो उतना काम आसान होता है। नमस्कार, आज महात्मा गांधी जी और गांधी जी को महात्मा बनाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान था वो पूज्य बाबा कस्तूरबा, उसकी सार्थक शताब्दी देश और दुनिया मना रही है। गांधी की हत्या हो सकती है, गांधी विचार की नहीं। गांधी विचार शाश्वत है, गांधी विचार प्रस्तुत था, आज भी प्रस्तुत है और आने वाले समय में और प्रस्तुत होगा। भाई श्री ओमकार जी ने मुझे प्रश्न पूछा गया है कि आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में गांधी विचार की प्रासंगिकता क्या है। अभी देश और दुनिया में कोरोना महामारी चल रही है, उसमें स्वच्छता सबसे बड़ी बात है। ये जो कोरोना महामारी में डिसीजन मेकिंग की जो बात है, सत्ता हमारी जो सरकार है उसको जो निर्णय लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ठीक अच्छी तरह से टाइम पे निर्णय लिया गया था, फिर भी गांधी विचार में ये राज्य व्यवस्था, राजधर्म भी कहा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है जो गांधी जी नागरिक के बारे में कहा जाते थे। आजकल हम लोग अधिकार के बारे में बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन फर्ज के बारे में मुझे लगता है कि अभी बहुत कम अमल करते हैं। तो जो महामारी आने के बाद जो स्प्रेड होता है उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम फर्ज का पालन करें, तो उसका नाम है नागरिक धर्म। तो एक बात है राज्य और दूसरी बात मैंने कहा था कि नागरिक धर्म, ये दोनों जब साथ में मिलते हैं, सहयोग करते हैं, राज्य का हकारात्मक अभिगम और लोगों का सहयोग जब प्राप्त होता है तो कोई भी आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत आसान रहता है। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि गांधी विचार में कल्याण राज्य की जो बात है, महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की बात की है, उनको सर्वोदय भी कहा है, तो ये राम राज्य है, उसमें रोग मुक्त राज्य है, ये बात सही है कि कई उसका क्राइटेरिया बताया गया है राम राज्य कैसा होना चाहिए, उनके साथ ये रोग मुक्त हो। और आपने जो कहा कि ये परिस्थिति में, आज की जो परिस्थिति में आम आदमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, महात्मा गांधी जी ने एक अच्छी बुक लिखी है की ऑफ हेल्थ, आरोग्य की चाबी। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी कुदरती उपचार में मानते थे, तो इसी हिसाब से
कई बातें वो पुस्तक में लिखी है। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान में आने के बाद करीबन 4,739 दिन अलग अलग आश्रम में रहे थे, और आश्रम की जो दिनचर्या है ये मुझे लगता है कि आम आदमी की दिनचर्या होनी चाहिए। उसमें 4 बजे उठना, 5:30 से 6 बजे तक शौच क्रिया, बाद में उपासना, धार्मिक वाचन, 6:30 से 7 बजे तक फलाहार, 7 से 8:30 बजे तक अंग मेहनत, श्रम, रसोई, पानी भरना, सफाई करना, 8:30 से 10 बजे तक अक्षर ज्ञान। उनके साथ लिखा है कि कोई टीचर नहीं था, लेकिन कहीं भाषा सीखने का काम भी उसमें चलता था। 10 से 12 भोजन, बर्तन मांजना, ये सब लिखा है, ये दिनचर्या में लिखा है। फिर से 12 से 3 बजे तक अक्षर ज्ञान का प्रोग्राम रहता था। 3 से 5 फिर से वो अंग मेहनत, जो सफाई वगैरह का काम चलता था, और 5 से 6:30 बजे में शाम का भोजन हो जाता था। ये सब जो टाइमिंग है उसमें गांधी जी बहुत पंक्चुअल थे। और ये भी बात है कि जितना आप समय के मुताबिक भोजन वगैरह लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आजकल हम लोगों ने रात को लेट सोते हैं, शाम को लेट उठते हैं, बाहर का जो फास्ट फूड खाते हैं, तो ये सभी में से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसके हिसाब से 6:30 से 7 बजे तक कंपलसरी ईश्वर भजन होता था। आप जानते हैं कि गांधी प्रार्थना 7 से 9 बजे तक स्वाध्याय या मुलाकात का टाइम रहता था, और 9 बजे आश्रम में शयन का टाइम रहता था। तो मुझे लगता है कि ये राम राज्य की बात है, रोग मुक्त राम राज्य की बात है, वो हम भी कर सकते हैं।